हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हमारे जूलॉजी के कंसर्न पेपर में। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे कि ये आपके जूलॉजी के कौन से पेपर में है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो इस लेक्चर के बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा आपके ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम लोग आज लेक्चर में शुगर केन लीफ हॉपर को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आपको इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक सुनना होगा, ताकि आपको एक बार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने गंदी बग के बारे में स्टडी किया था। गंदी बग भी एक बग है, यानी एक पेस्ट है जो हमारी क्रॉप्स को क्या करता है, डैमेज करता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज जो ये लेक्चर जो हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिस बग या पेस्ट को कवर कर रहे हैं, उसका नाम है शुगर केन लीफ हॉपर, या इसका जूलॉजिकल नेम होता है पायरिला परपुसिला या फिर पायरिला केबल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पायरिला या फिर शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे शुगर केन की क्रॉप को डैमेज करता है। किसको डैमेज करेगा? शुगर केन की क्रॉप को, यानी गन्ने की फसल को ये बर्बाद करता है। ये गन्ने की पत्तियों को जो है डैमेज करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें तो आप सबको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको मेंशन कर दिया था कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी बग होते हैं, जितने भी पेस्ट होते हैं, सब जो है फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो ये भी फाइलम ऑर्थोपोडा से ही बिलोंग करता है, यानी ये जो एनिमल है ये फाइलम ऑर्थोपोडा का एनिमल है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन अगर ध्यान से देखें तो फाइलम तो आपका ऑर्थोपोडा हो जाएगा, और क्लास क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा इंसेक्टा। ठीक है ना, जैसे गंदी बग का भी क्लास क्या था? इंसेक्टा था। तो शुगर केन लीफ हॉपर का भी क्लास क्या है? इंसेक्टा है। तो फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर हो जाएगा हेमिप्टेरा। क्या स्टूडेंट्स? हेमिप्टेरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपकी PDF में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप इसको देख के अपनी कॉपी में लिखेंगे, वहां पे आपको इसकी स्पेलिंग भी पता चल जाएगी। तो फिलहाल आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते रहिए। तो फाइलम ऑर्थोपोडा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, और ऑर्डर हो जाएगा हेमिप्टेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑर्डर के बाद अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली हो जाएगी फुलगोरिडी, FULGORIDAE। ठीक है ना, तो फुलगोरिडी जो है वो क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। और बच्चों जीनस, जीनस का नाम है पायरिला। ठीक है, तो जीनस तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीनस क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा पायरिला। स्पेलिंग क्या है पायरिला की? PYRILLA, पायरिला। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और स्पीसीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी परपुसिला। परपुसिला की स्पेलिंग PERPUSILA, स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन, जीनस के नीचे भी अंडरलाइन। ठीक है ना, तो पायरिला परपुसिला ये क्या हो जाएगी? ये हो गया जीनस, और ये हो गया स्पेसिफिक थ्रेट, या स्पेसिफिक जो उसका एपिथेट होता है, नेम होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल ये दोनों वर्ड मिलाकर जो है ये बन जाएंगे इसका साइंटिफिक नेम, या इसका जूलॉजिकल नेम। किसका? शुगर केन लीफ हॉपर का। तो शुगर केन लीफ हॉपर का जो जूलॉजिकल नेम होगा वो क्या होगा? पायरिला परपुसिला। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या इसका पूरा क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पर ये क्रॉप पाई जाती है, कहाँ पर ये जो पेस्ट हमारा है ये पाया जाता है। तो ये पूरी इंडिया में हर जगह पर पाया जाता है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पायरिला परपुसिला या फिर शुगर केन लीफ हॉपर, जिसका कॉमन नेम हो गया, ये पेस्ट या ये बग जो है ये हमारी पूरी इंडिया में हर स्टेट्स में पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ पर होंगे, तो किन स्टेट्स में इनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो सबसे पहले तो यूपी, और फिर सेकंड हो जाएगा बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो स्टेट्स में पायरिला परपुसिला जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर प्रीवेलेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें अगर आइडेंटिफिकेशन का, कि ये जो इंसेक्ट होता है पायरिला परपुसिला, या जिसका कॉमन नेम शुगर केन लीफ हॉपर है, जो गन्ने की फसल को, गन्ने की पत्तियों को बर्बाद करता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? हेडिंग जो बनेगी, डेट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन दें, इंसेक्ट कैसा होता है इसके बारे में देखें, तो ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जो है, जो एडल्ट होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का। स्ट्रॉ कलर का मतलब जैसे डंठल होती है पेड़ों की, उसी कलर का एडल्ट होता है। जैसे पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों के जो स्टेम होते हैं जिस कलर के, प्लांट्स के, उसी कलर का होता है कौन? एडल्ट पायरिला परपुसिला। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और जो ये एडल्ट है ये क्या करेगा? ये शुगर केन यानी कि गन्ने की जो प्लांट होगा, उस गन्ने के प्लांट पे ये अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद वहाँ जो गन्ने के प्लांट की जो लीव्स होंगी,
जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों पर अटैक करेगा और उसके सैप को जो है सक करेगा, यानी पत्तियों में जो जो जूस पाया जाता है उस जूस को ये क्या करेगा, चूस लेगा। तो पत्तियों में पाए जाने वाले सैप को जो है ये सक करता है, किससे, जो इसका माउथ होता है, इसका जो हेड होता है वो आगे की तरफ निकला होता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम पे देख रहे हैं। इस एनिमल को आप देख रहे होंगे पायरिला परपुसिला को। अब आप यहाँ देखिए कि इसका जो माउथ है, माउथ कैसा है, आगे से इसका हेड देखिए कितना नुकीला है और हेड आगे की तरफ ग्रो करके जो है जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको बोलते हैं रोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम, ठीक है ना। तो इसका हेड आगे की तरफ प्रोट्रूड होकर, आगे की तरफ प्रोजेक्ट होकर रोस्ट्रम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है और इसी के थ्रू जो है ये एनिमल क्या करता है, गन्ने की पत्तियों में जो है छेद कर कर, गन्ने की पत्तियों को भेद कर अंदर से जो पत्तियों में जो पानी जो रस होता है जिसको हम सैप बोलते हैं, लीफ सैप बोलते हैं, उस लीफ सैप को जो है ये पी जाता है, उसको सक कर लेता है, चूस लेता है, जिससे पत्तियां जो होती हैं वो ओवरऑल कैसी हो जाती हैं, पेल कलर की, यानी कि वो पीली कलर की हो जाती है, उनका रंग गायब हो जाता है, ग्रीन कलर उनका फेड हो जाता है और अल्टीमेटली पत्तियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये इस इंसेक्ट का जो है नेचर होता है, या इसका जब हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं तो वो इस तरह से होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें टू पेयर विंग्स पाई जाती हैं, यानी दो जोड़ी पंख होती हैं जो इसकी बॉडी को, जो इसकी बॉडी के ऊपर फोल्ड रहती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे टू पेयर विंग्स हैं जो इसकी बॉडी में क्या करती हैं, फोल्डेड कंडीशन में बॉडी के ऊपर बैक साइड में पाई जाती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर बात करें इसकी नेचर ऑफ डैमेज की, कि ये कैसे डैमेज करता है क्रॉप को हमारे, तो अगर हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये कि कौन डैमेज करेगा गन्ने की फसल को, तो गन्ने की फसल को डैमेज जो करेंगे वो एडल्ट भी करेंगे और साथ साथ जो है निम्फ भी करेंगे। तो नेचर ऑफ डैमेज में हम क्या लिखते हैं कि पायरिला परपुसिला का जो एडल्ट पायरिला परपुसिला होता है, जो वयस्क होता है, जो पूरी तरह से मैच्योर होता है, सेक्सुअली वेल डेवलप होता है, वो तो हमारी गन्ने की क्रॉप को, गन्ने की पत्तियों को अटैक करता ही करता है, खराब करता है, उनको खाता है, उनके रसों को पीता है, ठीक है ना। और साथ साथ जो निम्फ होते हैं, निम्फ का मतलब जो लेस डेवलप, या फिर आप कह लें कि जो एग से, अंडे से जो निकले हुए बच्चे होते हैं उनको निम्फ कहा जाता है, वही आगे चलकर और मेच्योर होते हैं, उनमें मोल्टिंग होती है और अल्टीमेटली वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो निम्फ जो होती है वो सेक्सुअली इमेच्योर फेज होता है इस इंसेक्ट का, पायरिला का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत सारे इंसेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे निम्फ और एडल्ट की बात आती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एडल्ट और निम्फ दोनों ही अटैक करते हैं क्रॉप पे, गन्ने की क्रॉप पे, और ये क्या करते हैं, तो ये गन्ने की जो जो सैप होता है पत्तियों पर उसको चूस लेते हैं, क्योंकि इनका जो रोस्ट्रम होता है वो सुई की तरह जो है भेद कर जो है गन्ने की पत्तियों में से क्या करता है, सारे रस को जो है, सारे सैप को चूस लेता है और पत्तियां जो है पीली पड़कर सूख कर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो जो गन्ने का तना है जिसमें खूब सारा जूस भरा हुआ है, आप जानते हो ना, हम शुगर केन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आपने भी पढ़ा होगा यहाँ पे मेरे से ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी लेक्चर वो डिलीवर कर दिया था शुगर केन वाला पूरा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो केन होता है, यानी शुगर केन जो होता है उसका जो स्टेम होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, जूस होता है, और उसके अंदर सुक्रोज का कंटेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं जूस का अमाउंट तो बहुत कम नहीं होता इसके इफेक्ट से गन्ने के अंदर, लेकिन जो सुक्रोज का अमाउंट होता है जूस में वो 35% तक डिक्रीज हो जाता है। कितना, 35% तक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, यानी इसके इसके अटैक करने से जो है जो डैमेज होगा उस डैमेज की वजह से गन्ने के अंदर जो है सुक्रोज कंटेंट जो है वो 35% तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वैसे गन्ने के अंदर जो है ओवरऑल गन्ने के अंदर जो जूस है उस पर उसका जो अमाउंट है उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उतना ही बना रहता है। बेसिकली ये पत्तियों को इफेक्ट करने वाला बग है या फिर पेस्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं मेरे बगल में, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी लाइफ साइकिल है, ये जो बग है ये पूरे साल एक्टिव रहता है, पूरे साल ही एक्टिव होता है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में एक्टिव होता है, ये पूरे साल भर ये गन्ने के खेतों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम खास तौर पर देखें तो अगस्त से लेकर नवंबर तक, फ्रॉम द अगस्त टू द नवंबर, ये जो सीजन है, ये जो ड्यूरेशन है, जो मंथ है, इस दौरान ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे मंथ के कंपेरिजन में अगस्त से लेकर नवंबर तक के बीच में ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट जब ठंडी का मौसम आता है,
विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में ये निम्फल स्टेज में यानी निम्फ वाले स्टेज में होता है, यानी सेक्सुअली इमेच्योर, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो ठंडी के सीजन में निकलते हैं, विंटर सीजन में निकलते हैं। विंटर सीजन का मतलब ठंडी के सीजन में, ठीक है ना। तो विंटर सीजन में निम्फ स्टेज पाई जाती है, और जैसे जैसे ठंडी गुजरती है और आगे फिर जो है जनवरी फरवरी मार्च आता है, तो मार्च मिडिल तक आते आते निम्फ जो होते हैं वो पूरी तरह से एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी मिडिल ऑफ मार्च तक, यानी मार्च 15 तारीख के आसपास से, यानी मिडिल ऑफ मार्च में क्या होता है, जो एडल्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से बन जाते हैं, निम्फ स्टेज समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और फिर थोड़ा और एक महीने आगे आएंगे और अप्रैल में जब आते हैं, तो अप्रैल में आते आते एडल्ट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, और जो फीमेल पायरिला पर्पुसिला होती है या फीमेल शुगर केन लीफ हॉपर होता है वो अंडे देती है, और उन अंडों से निम्फ निकलते हैं। तो ये जो अंडे देती हैं, तो फीमेल जो होती है, जो फीमेल पायरिला होती है, कितने अंडे देती है, तो वो अप्रॉक्सीमेट 800 एग का प्रोडक्शन करती है। कितना? 800 अंडे देती है फीमेल पायरिला पर्पुसिला, ठीक है ना। और ये जो अंडे होते हैं ये 20 to 25 यानी 20 से लेकर 25 तक के क्लस्टर में यानी समूह में जो है गन्ने की पत्ती का जो लोअर सरफेस होता है उस पर ये पाए जाते हैं, वहीं पर वो देती है अंडे, ठीक है ना। तो गन्ने की जो पत्ती है, जो शुगर केन की लीव्स है, उसके लोअर सरफेस पे जो है फीमेल पायरिला पर्पुसिला जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, एग को देती है, और वो एग कितने होते हैं, टोटल अप्रॉक्सीमेट 800 एग जो है प्रोड्यूस करती है, और वो एग जो होते हैं वो 20 से लेकर 25 के क्लस्टर में यानी झुंड में, समूह में, ग्रुप में जो है लोअर लीव्स यानी पत्ती की जो जो निचली सतह है, लोअर सरफेस है, उस पर वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जो एग होते हैं, अगर इनका पीरियड देखा जाए, ये कब तक एग कंडीशन में होगा, एग जो है अपने एग एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 to 14 days है। कितना? 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन तक अंडे जो होते हैं वो पाए जाते हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अंडे अलग अलग सीजन में थोड़ा वैरी करता है, जैसे अप्रैल से अक्टूबर तक के सीजन में 7 से 14 दिन जो है इन अंडों का लाइफ स्पैन होता है, और इसके अलावा जब हम नवंबर से मार्च वाले ड्यूरेशन में जाते हैं, अगर उस टाइम अंडे दे रही है, तो वो अंडे जो होते हैं वो 21 से 40 दिन 21 to 40 days तक एग्जिस्ट करते हैं। फिर आगे चलकर अंडे, अंडों से हैचिंग होगी, और अंडों से क्या निकलेंगे, निम्फ निकलेंगे। क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स? निम्फ निकलेंगे। अभी जो निम्फ होते हैं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, अब जब ये निम्फ निकलते हैं, तो निम्फ जो है वो 25 to 65 यानी 25 से लेकर 65 यानी 65 दिन तक जो है एग्जिस्ट करते हैं, निम्फल स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी जो डेज की जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो निम्फ होते हैं, ये जो गन्ने पे पाए जाते हैं या गन्ने के पत्तियों पर डेवलप होते हैं, ये 25 to 65 days होते हैं अगर अप्रैल से सितंबर तक की ड्यूरेशन में, और इसी तरह से 80 to 150 यानी 80 से 85 दिन तक होते हैं, कब, अक्टूबर से लेकर मार्च के ड्यूरेशन में। कुल मिला के एक बात आपको बताई जा रही है, ये कितने दिनों तक एग्जिस्ट करते हैं, कितने दिनों तक उस अपने रियल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर आगे चलकर तो वो फिर क्या बन जाएंगे, निम्फ आगे चलकर एडल्ट बन जाएगा, बनेगा ना अप्रैल के मिड में, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये जो फीमेल पायरिला पर्पुसिला या मेल पायरिला पर्पुसिला, ये जो बग है, जो इंसेक्ट है, इसकी अगर एज देखी जाए, तो ये पूरे एक साल में जो है अपनी एक से ज़्यादा जनरेशन जो है वो कंप्लीट करता है। तो अगर हम आम तौर पे देखते हैं ऐसे, तो ये पायरिला पर्पुसिला जो है वो 1 year में जो है 3 to 4 generation तक अटेन कर लेता है, यानी एक साल में इसकी 3 से 4 पीढ़ियां तक आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, 3 से 4 पीढ़ियां तक आगे ये जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है, ठीक है ना, एक साल में। तो एक एवरेज अगर लाइफ स्पैन देखी जाए, एक औसत आयु देखी जाए मेल शुगर केन लीफ हॉपर की या मेल पायरिला पर्पुसिला की, तो वो होती है 4 to 6 weeks, 4 से 6 हफ्ते। और इसी तरह से जो फीमेल पायरिला होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी एज होती है, और वो होती है 6 to 8 weeks, यानी मेल से 2 हफ्ते ज़्यादा और ये अपनी इसकी लाइफ होती है, यानी ये जिंदा रहती है, ठीक है ना। तो मेल पायरिला की जो लाइफ स्पैन है यानी
आयु है, जीवन है, वो कितना होता है, 4 to 6 वीक होता है, और फीमेल पारिला का जो लाइफ स्पैन होता है वो 6 to 8 वीक होता है। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इसके फेवरेबल है, इसके अनफेवरेबल है, ये सारी चीज़ें भी इसकी लाइफ स्पैन पर अफेक्ट करती हैं, इसकी उम्र पर जो है असर डालती हैं। कुल मिला के बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे हवा हो गया, हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी हो गई, आर्द्रता हो गई ना मई और जून के सीज़न में, या फिर जुलाई में और फिर सितंबर में अगर जो है ड्राउट कंडीशन है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है ना, और या फिर आगे चलकर फिर जो है प्लांट्स जो इसका गन्ने, जो गन्ना है वो जिस सीज़न में ज़्यादा ग्रो करता है उस सीज़न की बात करें, तो ये जो प्लांटेशन का टाइम है, प्लांटेशन की, प्लांट्स की ग्रोथ है, ये सारे जो फैक्टर मैंने बताए, ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं पारिला पर्पुसिला की लाइफ पर, ठीक है ना, इसकी लाइफ स्टेज पर, इसकी लाइफ स्पैन पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इसका क्या, ये था इसका लाइफ साइकिल। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कंट्रोल हम कैसे करते हैं इसको, क्योंकि जब भी हम कोई बग पढ़ते हैं तो हमें कंट्रोल भी पढ़ना पड़ता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको हम नियंत्रित कैसे करेंगे, क्योंकि ये बग हमारे शुगर केन की क्रॉप को डैमेज करते हैं, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो है शुगर केन क्रॉप, जो अफेक्टेड शुगर केन क्रॉप है, या शुगर केन क्रॉप जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, जब उसकी कटाई कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ जो शुगर केन का जो एक तरह से रेसिड्यू होता है उसको हमें जला देना चाहिए, या फिर बर्निंग ऑफ ऑल थ्रैश आफ्टर हार्वेस्टिंग द शुगर केन क्रॉप इन द इन्फेक्टेड फील्ड, जहाँ पर भी इस कीट का, इस बग का, जिस फील्ड में भी जो है इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर ये गन्ने की फसल को डैमेज किए हैं, तो गन्ने की फसल पूरी हो जाने के बाद जो कुछ भी वहाँ उस बचता है उस फसल में, उस फील्ड में, उन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, जलाकर ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो है इसके जो भी एग हैं, निम्फ हैं, या जो ये जो पेस्ट है एडल्ट, वो सारे जलकर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो कंट्रोल करने का ये एक मैकेनिकल मेथड हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा शुगर केन होता है उसकी जो इन्फेक्टेड लीव्स होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो गन्ने की जो संक्रमित पत्तियां हैं, जिन पर इसने संक्रमण कर दिया है, जिन पर इन्होंने अंडे दे दिए हैं, उन पत्तियों को हम अगर रिमूव कर दें, ठीक है ना, तो उससे अंडों का जो क्लस्टर होता है वो हट जाता है, अंडे सारे हट जाते हैं, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने गन्नों को, अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक मैकेनिकल मेथड है, ठीक है ना। उसके अलावा जो बहुत सीरियसली इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा जिन गन्नों की पत्तियों पर इसका संक्रमण हो जाता है, तो ऐसे प्लांट को ही हमें रिमूव कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि जो है ये जो डिजीज़ है, ये जो इसका इन्फेक्शन है, वो और दूसरे अगल बगल के प्लांट्स पे और उस फील्ड के और दूसरे हेल्दी शुगर केन के प्लांट हैं उन पर इसका इफेक्ट ना पड़े, या फिर इन्फेक्शन और फैले ना, स्प्रेड ना हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, ये सब क्या थे, मैकेनिकल मेथड थे। अब मैं आपको बताता हूँ केमिकल मेथड। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको हम अगर अपने क्रॉप पर और फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये इनकी डेथ हो जाती है और ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स होते हैं, जैसे हम डस्टिंग कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड क्रॉप है, जहाँ पर शुगर केन लीफ होपर ने जिस गन्ने की फसल पर इन्फेक्शन कर दिया, संक्रमण कर दिया है, तो उस गन्ने की फसल पर अगर हम 10% BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कितना, 10% सैचुरेशन वाला हम BSC को अगर डस्ट से छिड़काव करें, इसके अलावा हम वहाँ पे टोनाफेन नाम का एक केमिकल होता है उसको 10% ले लें, और इसके अलावा हम 10% कार्बेरिल को, या फिर 5% मेलेथियोन को अगर हम वहाँ पे डस्ट करते हैं, छिड़काव करते हैं 20-40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इस तरह से हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, किनको, पारिला पर्पुसिला को, शुगर केन लीफ होपर को, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरह से हम कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जैसे एक केमिकल होता है उसको एंड्रिन कहते हैं, ENDRIN, तो एंड्रिन हो गया, और इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फॉस्फेमिडॉन, फॉस्फेमिडॉन, तो फॉस्फेमिडॉन भी हो गया, एंड्रिन हो गया, मिलेथियोन हो गया, ये जो केमिकल्स हैं ये भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं, और इनसे भी हम इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन केमिकल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड में और अपनी क्रॉप पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या थे, केमिकल मेथड थे कंट्रोल करने के इस पेस्ट को, शुगर केन लीफ होपर को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, हम कुछ हाइपर पैरासाइट्स होते हैं,
हाइपर पैरासाइट्स का मतलब जो इनको अटैक कर इनको डैमेज करते हैं, इनको मार देते हैं, इनको खा जाते हैं। किनको? शुगर केन लीफ होपर को। ये भी एक पैरासाइट ही हुआ, ठीक है ना। तो इनको जो नष्ट करने वाले, जो इनसे बड़े वाले इनसे जीव जो इनको शिकार करते हैं, अगर हम उनको ग्रो करवाएं, उनको यूज करें, तो इस तरह से हम इस शुगर केन लीफ होपर की आबादी पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इनके नेचुरल एनिमी होते हैं, जो नेचुरल इनके जो जो इनको प्रे जो इनके शिकारी होते हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फील्ड में, उनको भी ला सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपर पैरासाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं अपनी फील्ड में। और ये जो हाइपर पैरासाइट होते हैं, जैसे कि एक हाइपर पैरासाइट है, उसका नाम है टेट्रास्टाइचस पायरिली। तो ये टेट्रास्टाइचस पायरिली नाम का एक कीट होता है, एक इंसेक्ट होता है, वो इस पायरिला पर्पुसिला को खाता है या इसको ख़त्म कर देता है, इसका शिकार करता है। तो अगर पायरिला पर्पुसिला की आबादी को कंट्रोल करना है, तो हमें जो है उस हाइपर पैरासाइट को, उस दूसरे वाले इंसेक्ट को ग्रो करवाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अपने खेतों में और अपनी क्रॉप पर। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था टेट्रास्टाइचस पायरिली। और इसी तरह से एक और इंसेक्ट होता है, एक और हाइपर पैरासाइट, एक और एनिमल होता है, उसका नाम है ओइनसिर्टस स्पीसीज। क्या बोलेंगे? ओइनसिर्टस, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ओ ई एन सी वाई आर टी यू एस। तो ओइनसिर्टस स्पीसीज होती हैं, वो भी कुछ हाइपर पैरासाइट एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पायरिला पर्पुसिला की आबादी को कंट्रोल करते हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, इनका शिकार कर लेते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ इनके एग को, इनके निम्फ को, एडल्ट को, सबको वो खा जाते हैं। तो इस तरह से हम पायरिला पर्पुसिला को बायोलॉजिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हाइपर पैरासाइट को अपनी क्रॉप और अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस करा के, या इन्फेक्टेड क्रॉप या इन्फेक्टेड फील्ड में इंट्रोड्यूस करा के। समझ में आ गई ना बात स्टूडेंट्स? तो ये पूरा जो मैंने आपको लेक्चर दिया, ये पूरा क्या था? शुगर केन लीफ होपर, या जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पायरिला पर्पुसिला। ये एक इंसेक्ट है, एक कीट है, जो हमारी फसलों को बर्बाद करता है। किस फसल को ये बर्बाद करता है? तो इसका कॉमन नेम है शुगर केन, लिखा हुआ है कॉमन नेम में पहला वर्ड, इसका मतलब आप जान जाओ कि गन्ने की फसल को बर्बाद करता है। अब इसकी मैंने इसका इंट्रोडक्शन, मैंने इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी लाइफ साइकिल, इसका कंट्रोल, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। हो सकता है एक बार में आपको ये लेक्चर पूरी तरह से न समझ में आया हो, तो एक बार दोबारा से आप इस लेक्चर को ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, टाइम निकाल के दो बार कम से कम आप इस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, एक बार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे आगे चलकर लाइव सेशन जब मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, लाइव सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप लेकर इसको अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे जूलॉजी के पेपर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।